हेलो, मैं आप लोगों का इस वेबिनार यार में स्वागत करता हूं। आज मैं सबसे पहले आप लोगों को मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम के पंकज है और हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट तनिषा और सुकांत हैं जो आप लोगों को असिस्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, हेलो सर, हेलो पंकज सर। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग टुडेज वेबिनार। सो आज का वेबिनार हिंदी में है। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगे। ये बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहेगा। सो प्लीज एंड तक रहिएगा। जितने भी क्वेश्चंस आपने भेजे थे उन सबके आंसर्स इस वेबिनार में दिए जाएंगे। और अगर आपको कोई भी और क्वेरी हो सो आप अपना जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिख सकते हैं। अदरवाइज डेमो के बाद वी विल बी हैविंग अ Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर एक राउंड होगा। उसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सो दैट सर आपको आराम से उसके जवाब दे सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू तनीषा। मैं सबसे पहले आप लोगों को मनु पात्रा के बारे में बता दूं। आप लोग जैसा जानते हैं कि मनु पात्रा भारत की पहली कंपनी है जो 2001 में ऑनलाइन लीगल डेटाबेसेस की शुरुआत की थी, और आज के डेट में हमारी डेटाबेसेस जिसमें इंडियन और इंटरनेशनल मटेरियल है का सबसे बड़ा डेटाबेस है। मनु पात्रा एक लीगल टेक कंपनी है। इसमें हमने लीगल रिसर्च इंट्रोड्यूस किया, और इसमें जो सर्च कैपेबिलिटी हमारी है उसमें AI और NLP का हमने यूज किया हुआ है, जिसके हेल्प से आप लोगों को सबसे रेलिवेंट और फास्ट रिजल्ट मिलता है। हमारे हमारी सबसे पहले हम मनु पात्रा के बारे में 30 मिनट तक आपको हम प्रोडक्ट दिखाएंगे। उसके बाद हमारा 10 मिनट का टाइम केस वॉच के ऊपर में होगा। केस वॉच एक लाइव केस ट्रैकर, पर्सनलाइज केस ट्रैकर है। उसके बारे में मैं बताऊंगा कि इसके मदद से आपकी जितने भी लाइव केसेस हैं उसका आप किस तरह से आप हेल्प ले सकते हैं, और किस तरह से आपको ये ट्रैक करने में आपका टाइम रिड्यूस करता है और आपको अलर्ट प्रोवाइड करता है। मनु पात्रा और केस वॉच के अलावा हमारी और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे माई केस है, फिर उसके बाद लॉ स्किल्स है, फिर हमारा एक प्रोडक्ट है मनु कंप्लाई है। तो इस तरह से हमारे काफी सारे प्रोडक्ट हैं जो आज जिस चीज के बारे में मैं आपके साथ हूँ वो मनु पात्रा और केसवास दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं मनु पात्रा का वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, और मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से ये मनु पात्रा आपको हेल्प करेगा। आप काफी सारे लोग मनु पात्रा यूज भी करते होंगे। तो हमारा मेन एम इस वेबिनार का ये है कि किस तरह से क्या क्या हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, और किस तरह से आप इसमें वेरी कम समय में कितना अच्छा रिजल्ट मिले आपको, ड्राफ्टिंग करते समय आपको किस तरह से हेल्पफुल हो। आप किसी को अगर कोई आप अपने कलीग को कोई, जैसे आपका कोई क्लाइंट है, आपको लगता है कि उसको वो केस शेयर करना है तो किस तरह से आप फास्ट शेयर कर सकते हैं, तो और केस का किस तरह से आप अलर्ट से सेट कर सकते हैं, AI और NLP का किस तरह से हमने यूज किया हुआ है, जो विजुअलाइजेशन टूल्स और एनालिटिकल टूल्स है उसका किस तरह से यूज किया हुआ है, सो दैट ये जो इंडिया का एक लीडिंग कंपनी मनु पात्रा, जिस पर हम मोर देन 4 मिलियन डेटा हम आपको प्रोवाइड करते हैं, 40 मिलियन का इसमें जो रिकॉर्ड है, मैं आपको सबसे पहले ये मैं अपने लॉगिन के थ्रू आपको टेबल ऑफ कंटेंट और सारी प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। ये हमारा वेबसाइट है। मैंने साइन इन पासवर्ड के थ्रू एंटर किया है। एंटर करने के साथ में बाएं साइड में आप इधर नोटिस करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट का पार्ट। टेबल ऑफ कंटेंट में हम सुप्रीम कोर्ट की सारी जजमेंट, जब से सुप्रीम कोर्ट शुरू हुआ है तब से सारी जजमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आपको इसमें साथ साथ में मिलता है। ये एक काफी कंप्रिहेंसिव आपको कवरेज मिलता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको और किसी भी डेटाबेसिस में नहीं मिलता। इसी तरह से आपको हाई कोर्ट, सारे हाई कोर्ट जितने भी हाई कोर्ट हैं
फ्रॉम द इंसेप्शन, जो भी हाई कोर्ट जब से शुरू हुआ तब से उसकी सारी जजमेंट आपको इसमें मिलती है। और प्री 50 जो भी हमारे कोर्ट थे, पहले वाले जो कोर्ट थे, उसका भी जजमेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपका ये जैसे प्रिवी काउंसिल है, लाहौर है, कच्छ है, तो ये सब सारे जो कोर्ट पहले वाले कोर्ट थे उसकी भी जजमेंट आप इसमें पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर में सर्च कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा हम लोग ट्रिब्यूनल्स एंड कमीशंस का काफी एग्जॉस्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ऑर्डर्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास में मोर देन 38 ट्रिब्यूनल्स की डिसीजंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें जैसे कि एनसीएलटी, एनसीएलएटी, फिर आपका नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन है, या फिर स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, आईटीएटी है, सैस्टेट है, इस तरह से काफी सारे ट्रिब्यूनल्स एंड कमीशंस हैं जिसकी ऑर्डर्स डे टू डे के बेस पर हम लोग इसको अपडेट करते हैं। और उसका आप एडवांटेज उसमें आप सर्च कर सकते हैं और आपकी जो भी रेलिवेंट रिजल्ट है उसको आप पढ़ सकते हैं और उसका आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे डेटाबेस में इंटरनेशनल केस लॉज भी हैं जो कॉमनवेल्थ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की सारी डिसीजंस प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा यूएस की डिसीजंस है, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजंस प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारे पास में इंग्लिश रिपोर्ट का एक कंपाइलेशन है, मैरिटाइम केसेस का कंपाइलेशन भी आप उसके अंदर भी सर्च कर सकते हैं। ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस आपको मिलता है। फिर हमारा एक मॉड्यूल है बिजनेस पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट लॉ एंड टैक्सेशन का है, नोटिफिकेशन सर्कुलर प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब एक डेटाबेसिस में आपको मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट केस लॉ के अलावा, जैसे कि आप डे टू डे बेसिस पर आप बेयर एक्ट रूल्स रेगुलेशन का यूज करते हैं, आपको इसमें सारी डिटेल मिलती है। तो कोई भी आप बेयर एक्ट जो आप पढ़ते हैं, तो आपका एक सिंपल बेयर एक्ट ये ना होकर क्योंकि इसके ऊपर में हमने काफी सारा वैल्यू एड कर, उस वैल्यू एड का ये एडवांटेज ये है कि कोई भी आप बेयर एक्ट पढ़ते हो तो उसको किस तरह से आप कैसे यूज करना, मैं आपको अभी इसके बारे में बताऊंगा। जैसे ये सेंट्रल का सारा वेयर एक्ट है, इसी तरह से वेयर एक्ट एंड रूल्स मिलेंगे, इसी तरह से सारे स्टेट के भी हमने स्टेट वाइज वेयर एक्ट एंड रूल्स को हमने इधर दिया हुआ है। किस तरह से ब्राउज करना, आप प्लस को क्लिक करोगे, टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे तो आपको ये इधर इंफॉर्मेशन आपको म्यूनिसिपल ऑर्डर वाइज, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मिनिस्ट्री वाइज, इंडस्ट्री वाइज, या जो भी रिपील्ड एंड एक्ट है उसका एक हमने लिस्ट दे रखा, या वट एवर द जो अमेंडिंग एक्ट्स है आप उसको इसको क्लिक करके पढ़ सकते। मैं जैसे एक एग्जाम्पल के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज लेता हूँ, तो आप इस पर यहाँ आपको मैं एक बताना चाहूंगा कि इसमें जो वैल्यू एड कर रखा, जैसे इधर में काफी सारे आइकन है जो ये बता, जिसमें ये रूल का ये रेड कलर का बुक लगा हुआ, इट मीन्स उसमें आप इंस्टेंटली रूल पढ़ सकते हैं, ऑल्दो हमने सेपरेट सारे रूल्स अलग से भी दे रखे। फिर जिसमें ये पार्लियामेंट का साइन होगा, इट मीन्स उस एक्ट या सेक्शन में कोई बिल पेंडिंग है पार्लियामेंट में, वो आप वहां भी पढ़ सकते हैं। ब्रीफ फैक्ट अबाउट द एक्ट हमने दे रखा, व्यू एक्ट इन सिंगल, किसी भी एक्ट को आप सिंगल डॉक में पढ़ सकते हैं। सेक्शन का सिंपलाइज वर्जन, सिंप्लीफाइड वर्जन, एनोटेशन आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। फिर एक्ट इन वर्नाकुलर, कई बार आप एक्ट को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो वर्नाकुलर, काफी सारे एक्ट में हमने वर्नाकुलर्स का वो दे रखा है। फिर आपका एक कंपेयर प्रोविजन, कंपेरेटिव चार्ट दे रखा है, जितनी भी रिपीलिंग एक्ट है और रिपील्ड एक्ट है उसका हमने एक्ट के साथ ही प्रोविजन दे रखा है कि उसका आप उस एक्ट के करस्पॉन्डिंग रिपीलिंग एंड रिपील्ड एक्ट का एक कंपेयर चार्ट दे सकते हैं। उसको किस तरह से यूज करना है मैं आपको बताऊंगा। और एक ये ब्लू कलर का फ्लैग है, ये आपको बताता है कि कौन सा एक्ट जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट से साइन हो चुका है, 100% साइन कर, बट वो एनफोर्स अभी नहीं हुआ, तो वो आपको एक्ट पढ़ने के साथ साथ सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर हमने एक चीज किया, ऑल्दो हमने जैसे कि बताया आपको कि अमेंडिंग एक्ट का हमने अलग से लिस्ट दे रखा, बट जो भी एक्ट है उसके साथ में आप इधर देखें प्लस का मांग दिया, तो उसकी अमेंडिंग एक्ट आपको यहीं पर मिल जाएगी, तो ये सारी अमेंडिंग एक्ट आपको यहीं पर मिल जाएगी अगर उसके एक्ट के ऊपर आप देखना चाहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो मैं सी को क्लिक करूंगा तो पूरा ये लिस्ट आ जाएगा, या तो मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ या कंट्रोल एफ करके क्लिक मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्रिमिनल लिखा तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आपका 73 वाला इधर देख रहा है, साथ में आप ये देखो प्लस का मार्क दिया हुआ, तो इसकी जो भी अमेंडिंग एक्ट्स हैं आपके पूरे आपके इधर आपके नजर आ रहे हैं, तो कोई भी अमेंडिंग एक्ट आपको पढ़ना हुआ आप यहाँ से इसको पढ़ सकते, तो ये पूरा एक्ट आपको
अमेंडिंग एक्ट भी साथ साथ मिल जाए और जो भी अमेंडमेंट हुआ होगा वो मेन एक्ट के अंदर में इनकॉर्पोरेटेड है। तो इसमें आप देखें इस सीआरपीसी के आगे में देखें ये वर्नाकुलर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, ब्रीफ एक्ट अबाउट द एक्ट हमने दे रखा है, या फिर इस एक्ट में अगर कोई बिल पेंडिंग है वो आपका इधर साइन लगवा पार्लियामेंट, इट मीन्स ये एक बिल पेंडिंग है। इसमें कंपेरिजन चार्ट हमने दे रखा है, ये 73 वर्सेस जो पुराना वाला जो जिसको एक रिवील करके किया उसका कंपेयर प्रोविजन भी आप देख सकते हैं। जो पुराने वाले एक्ट में पुलिस स्टेशन का डेफिनेशन 4 सेक्शन 4S में था, तो अभी ये इसका डेफिनेशन सेक्शन 2S के अंदर है। तो इस तरह से आप इंस्टेंटली आप कोई भी रिपील एंड रिपीलिंग एक्ट का कंपेरिव प्रोविजन आप देख सकते हैं। अब मैं आता हूँ एक्ट के अंदर, जैसे ही आप एक्ट को क्लिक करेंगे तो काफी सारे एक्ट में हमने कमेंट्री का भी प्रोविजन दे रखा है। जिस भी एक्ट में कमेंट्री होगा उसमें आपको ये रेड कलर का सेक्शन के साथ में एक ये आइकन मिलेगा, आप उसको क्लिक करोगे तो कमेंट्री आपका खुल जाएगा, या आप कोई भी सेक्शन पढ़ रहे हो व्हेन यू क्लिक एनी ऑफ द सेक्शन, जैसे आप सेक्शन को क्लिक करते हैं तो उसमें उस एक्ट का सेक्शन का पार्ट आप पढ़ सकते हो, या फिर उसका कॉमेंट्री पढ़ सकते हो, या फिर उसका डाइजेस्ट आप देख सकते हो। मैंने जैसे सेक्शन का पार्ट खोला तो यहाँ पर आपको उस सेक्शन का पूरा डिटेल आता है और जो भी अमेंडमेंट है वो इनकॉर्पोरेटेड है इसमें, तो आप पूरा ये सेक्शन आप पढ़ सकते हैं, यू पूरा ये सेक्शन का पूरा डिटेल मिल जाएगा और नीचे आपको फुटनोट में उसकी अमेंडमेंट हिस्ट्री मिल जाएगी, कॉमेंट्री भी आप यहाँ क्लिक करके पढ़ सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेज मनुपात्रा में ये है कि कोई भी सेक्शन आप जिसमें आप सेक्शन पढ़ते हो तो उसके साथ साथ आपको एक फॉर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू आप देखना चाहते हो कि इसमें कौन कौन से जजमेंट आए सेक्शन के ऊपर, तो वो पूरा आपको इसके साथ ही नीचे ही आपको मिल जाता है। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जैसे मैंने सेक्शन 41 खोला हो तो आप यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज आप ये आपको सारा डिसीजन दिखा, तो आपकी क्यूरियोसिटी है कि सबसे लेटेस्ट डिसीजन कौन सा है तो आप उसको खोल करके भी इंस्टेंटली पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको जजमेंट खोलना, ये जजमेंट खुल जाएगा। इस जजमेंट के बारे में आपको मैं थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा कि इसके क्या क्या इसमें वैल्यू एड हमने करके हैं जो आपको काफी सहूलियत प्रोवाइड करता है और आपका टाइम सेव करता है। तो ये यहाँ पर इंस्टेंटली आप सुप्रीम कोर्ट का या आप रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट का भी, जैसे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का पढ़ना चाहते हो तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट को क्लिक कर दो तो आपका ये सुप्रीम कोर्ट से चेंज होकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट का इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सेक्शन के साथ साथ सारी चीजें, सेक्शन क्या बोलते हैं और उसमें कौन कौन सा रिलेटेड केस लॉ, वो साथ साथ भी आप पढ़ सकते हो। ऑल्दो हमने अलग से भी सर्च मैकेनिज्म दे रखा है इसका, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये पूरा एक्ट का ये आपका प्रोविजन, कोई भी कमेंट्री पढ़ना हो आप इधर क्लिक कर दीजिए, उसका कमेंट्री इंस्टेंटली आप ओपन कर सकते हो और ये सारा चीज आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, किसी को मेल कर सकते हो इंस्टेंटली, ये एज ए मेल आप किसी को भी भेज सकते हो। तो ये सब प्रोविजन हमने इसमें दे रखा है। तो ये एक्ट की बात है। सिमिलरली आप इसमें रूल्स कोई भी है, रूल्स रेगुलेशन ऑर्डर स्कीम ये सब सारा आप इसमें ओपन कर सकते हैं। तो ये सेंट्रल एक्ट हो गया, इसी तरह से स्टेट एक्ट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर जितने भी हमने कमिटी रिपोर्ट, कोर्ट भी, कोर्ट रूल्स, ड्राफ्ट डीड एग्रीमेंट के थाउजेंड्स ऑफ फॉर्मेट, पेंडिंग बिल इन पार्लियामेंट, स्टैम्प ड्यूटी, सूट वैल्यूएशन, ये सब सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। काफी सारे स्टेचुरी फॉर्म्स हमने दे रखे हैं, मिसलेनियस का एक प्रोविजन है, इसमें भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, जितनी बजट है, एक्सर्जेशन ट्रीटीज है, वो सब सारी हमने, काफी सारी ई बुक्स हमने पब्लिश किए हुए हैं, तो वो ई बुक आपको ये मिल जाता है इसमें। या आप किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में तो आप एकेडमिक ई बुक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी एकेडमिक ई बुक का फीचर हमने दे रखा है। जब आपका आईपी बेस एक्सेस है तो आपको एकेडमिक ई बुक मिल जाता है। यू कैन एक्सप्लोर द आर्टिकल भी आप सारा इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। लीगल टेक्सोनॉमी का प्रोविजन है जो आपको किसी भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक किसी भी टॉपिक के ऊपर में कोई आप जजमेंट देखना चाहते हैं तो इंस्टेंटली उस टॉपिक के ऊपर में आपका एक रेडी रिकनर, ये टॉपिक वाइज हमने एक लीगल टेक्सोनॉमी बना रखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी डेटाबेसेस आप यूज करते हैं तो आपको एक ना इंस्टेंट वो आता है कि कोई भी चीज मैं सर्च करूं तो आप गूगल में जैसे सर्च करते हो तो आपको एक इंस्टेंट रिजल्ट इस तरह का मिलता है कि जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे रिलेवेंट। तो मनुपात्रा ने भी AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर्च के साथ इंकॉर्पोरेट कर रखा है। उसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मनु सर्च है, मनु सर्च जस्ट लाइक गूगल सर्च है आपका, ये मनुपात्रा में जो भी डेटाबेस 40 मिलियन रिकॉर्ड जो मैंने बताया, जजमेंट जो बताया, उसके अंदर सर्च करता है या जो भी हमारे सारे सेंट्रल एक्ट है, रूल्स है, उसमें भी सर्च करते हैं। तो जैसे मैं लिखता हूं इसमें जेंडर जस्टिस, तो इसकी खासियत ये है कि जैसे ही आप इसमें सर्च करेंगे
तो आपको AI enabled search parameter जो most relevant judgment होगा आपको first page पर ही मिल जाएगा. There is no need to even go the next page. आपको दूसरे पेज पर जाने की जरूरत नहीं. First page पर ही आपको सबसे important judgment इधर. तब आपकी choice है कि नहीं हमको सबसे recent पढ़ना है तो आप recent judgment में चले जाइए. Most cited पढ़ना है most cited में चले जाइए. So this आपका sorting option भी साथ साथ दे रहे हैं. तो ये इसलिए देखिए जनरल जस्टिस मैंने लिखा तो विशाखा वाली जजमेंट सबसे ऊपर आ रहा है. और इसमें आप एक नोटिस करेंगे कि जैसे SP गुप्ता है तो ये जजमेंट ओवररूल्ड हो चुकी है. दैट्स व्हाई इसमें देखिए आप रेड फ्लैग लगा हुआ कि मतलब ये जजमेंट ओवररूल्ड. तो जो भी जजमेंट अगर ओवररूल्ड हो गई है तो उसमें रेड कलर का फ्लैग मिलेगा. या कई सारे जजमेंट में हमने क्या कर रखा है SLP का स्टेटस दे रखा. जैसे मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ. तो इसमें आप इधर आप नोटिस करोगे इस जजमेंट में गुरप्रीत कौर वर्सेस राजीव सिंह में इधर ग्रीन कलर का सुप्रीम कोर्ट का साइन लिखा. आप उस पर रखेंगे तो SLP डिस्पोज लिखा. आप जजमेंट खोलेंगे तो SLP का आप पढ़ भी सकते हैं. वहां पर एक ऑप्शन दे रखा तो वहां से आप पढ़ भी सकते हैं. इसी तरह से कई सारे में आपको रेड कलर का ये सुप्रीम कोर्ट का साइन मिलेगा. इसका मतलब है कि उसमें SLP अभी पेंडिंग है. तो ये सब सारी इंफॉर्मेशन आपको इंस्टेंटली मिलता है. आपको कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती. कोई अगर कोई केस ओवररूल्ड है तो आपको वो इंस्टेंटली आप ओवररूल्ड केस के बारे में जान पाते. फिर मैं दूसरा एक खासियत बताता हूँ. जैसे मैं विशाखा का जजमेंट खोल रहा हूँ तो आप इंस्टेंटली इस जजमेंट को इधर ओपन कर सकते हो. इसका एडवांटेज ये है हमने मनु साइट दे रखा. आप कोई भी पिटीशन या रिप्लाई बनाते हैं तो साइटेशन आपको देना होता है. इधर आप मनु साइटेशन आप कोट कीजिए. हमने 300 से ज्यादा पब्लिशर्स की इक्विवेलेंट साइटेशन दे रखी. उसकी सारी साइटेशंस मिल जाएंगी. इसके ऊपर सर्च भी आप कर सकते हैं और पूरी जजमेंट आपको मिलेगी. इसमें जजमेंट में हमने एडिटोरियल टीम ने वैल्यू एनहांसमेंट वो किया हुआ है. इसमें जैसे किस टॉपिक के ऊपर में इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैचवर्ड है ये जजमेंट किस किस जजमेंट में मेंशन हुआ वो भी पूरी लिस्ट के अंदर आपको मिले. उसमें सर्च कर सकते हैं कौन सा एक्ट सेक्शन है. फिर इसमें साइटिंग रेफरेंस है कि जैसे इसमें एक केस डिस्कस हुआ वो नीलावती वगैरह. इंस्टेंटली आप उसको पढ़ सकते हो क्लिक करो. वो सारी चीजें हाइपरलिंक है. ये जजमेंट नीलावती वगैरह कितने टाइम्स आगे मेंशन हुआ वो पूरा आपको इंडिकेशन ये मिल जाता है. कई बार आप जजमेंट पढ़ते होते हो तो कोई वर्ड आपका आ जाता है आप इंस्टेंटली उसका मीनिंग देखना चाहते हो तो जस्ट यू हैव टू हाईलाइट दैट वन. तो लीगल इंटरप्रिटेशन यू कैन रीड हियर. सो दिस इज द लीगल डिक्शनरी यू विल गेट हियर. इंग्लिश डिक्शनरी इज लीगल डिक्शनरी. तो आप इसका लीगल इंटरप्रिटेशन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का ये आपका लीगल इंटरप्रिटेशन आपका विद द साइटेशन जो भी है इसमें वो सारा आपको ये मिल जाएगा. इसी तरह से अगर ये मैक्सिम्स आपको सेलेक्ट करते हैं लैटिन वर्ड तो मैक्सिम्स भी आपको यहीं पर मिल जाता है. तो जहां कहीं भी मैक्सिम्स है कॉन्स्टिट्यूशन यूज हुआ यू आर गेटिंग दैट. तो इस तरह से आपका और एक सिंप्लीफाइड डिक्शनरी भी दे रखा है. सो सिंपल इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी आप पढ़ सकते हो. दूसरी खासियत यह है कि आपको इसमें इसका ब्रीफ समरी हेड नोट मिल जाता है. फिर ऑर्डर्स मिल जाते हैं जजमेंट या ऑर्डर जो भी मिल जाता है. और जो भी आपका आर्टिकल या सेक्शन है वो आपका हाइपरलिंक है. या कोई जजमेंट भी अगर मेंशन है तो सारा आपको हाइपरलिंक मिलता है. तो इंस्टेंटली आप उस जजमेंट को पढ़ सकते हो. इसमें आपको मैं टॉप में आ जाऊँ जो भी सेक्शन मेंशन है उसकी आप कमेंट्री पढ़ सकते हो. लाइव यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे इसमें कोई भी सेक्शन और आर्टिकल मेंशन उसकी कमेंट्री पढ़ सकते हैं. कमेंट्री किसके द्वारा वो आपको इधर मिल जाएगी. फिर इसके बाद में एम पैरा ये आपको बताता है कि इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पैरा है जो बाद में दूसरे जज साहब ने अपने जजमेंट में कोट किया. आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे वो सारा इंपॉर्टेंट पैरा का लिस्ट आ जाएगा. ये विशाखा का जैसे ये एक पैराग्राफ है तो इसमें आप इधर देखिए ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ 2014 में चारू खुराना में जज साहब ने कोट किया था और 2004 में भी एक जज साहब ने स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वाले में कोट किया. तो एडवांटेज ये है कि अगर मैं इसको कोट करने जा रहा हूँ तो आई कैन कोट ये दोनों जजमेंट भी साथ में मैं कोट कर सकता हूँ. इसको मैं कंपेरेटिव स्टडी भी कर सकता हूँ. यहाँ पर आफ्टर स्टडी हमको लगता है कि नहीं इसको कोट करना चाहिए तो एम पैरा आपको उस तरह से हेल्प करता है. एम पैरा के बाद में हम एक ये भी काफी इंपॉर्टेंट फीचर है इसका साइटेड इन पैरा. ये सब फैसिलिटी आपको कहीं पर भी नहीं मिलती. तो साइटेड इन पैरा इंस्टेंटली बता देता है कि ये जो विशाखा की जजमेंट 1997 में प्रोनाउंस हुई थी उसके बाद कहाँ साइट हुई और लेटेस्ट कहाँ साइट हुई. जैसे ये दिल्ली हाई कोर्ट में साइट हुई अभी RIT फाउंडेशन में तो किस पैराग्राफ में साइट हुई तो वो पूरा आपको डिटेल बता देता और इंस्टेंटली आप जजमेंट भी खोल पाते. दूसरा कोई पढ़ना हुआ तो इस तरह से आपका एक खुल जाता. तो ये आपका साइटेड इन पैरा. फिर ये इंटरेक्टिव टाइमलाइन का फीचर हमने दे रखा. तो आपको एक टाइमलाइन के ऊपर में एक ये एनालिटिकल फीचर है हमारा. वो टाइमलाइन का ग्राफ आपको दिखाता कि ये जजमेंट जो साइट हुआ सुप्रीम कोर्ट में कितने टाइप साइट हुआ हाई कोर्ट में कितना टाइप साइट हुआ किस जजमेंट में रिलाय हुआ. आप उस जजमेंट में जा सकते हो. जो बबल जितना बड़ा है इट मीन्स वो केस ज्यादा टाइम साइट हुआ. विशाखा
इस वाले जजमेंट में साइट हुआ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में, और ये जजमेंट अपने आप में 322 टाइम्स आगे साइट हो चुका। आप इसको डायरेक्टली यहाँ से पढ़ सकते हैं, तो एक एडवांटेज आपको मिल जाता है। इंस्टेंटली आपको देखना चाहते हैं विशाखा कहाँ, ये जजमेंट कहाँ कहाँ रिलाय हुआ, डिस्टिंग्विश हुआ, डिसेंटेड हुआ, ये सब सारे पैरामीटर के ऊपर में आप इसको हमने क्लासिफाई कर रखा है, तो आप उसका एडवांटेज आप उठा सकते। फिर आपको इसमें केस मैप का आपको एक केस मैप का फीचर दे रखा है, तो इसमें कौन कौन से केस साइट हुए और ये केस आगे कहाँ कहाँ साइट हुआ, उसकी रेलिवेंसी क्या है, तो एक कलर हमने वो दे रखा है जिसमें साइट हुआ उसका एक कलर आता है, तो इस लीजेंड में उस कलर का मीनिंग दे रखा कि वो हुआ क्या उसका, तो किसमें रिलाय हुआ, किसमें डिसेंटेड है, किसमें ओवरूल है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एक नट से इंस्टेंटली आपको मिल जाती है। तो बिफोर कोटिंग यू कैन आपको आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से इसको सेट। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट कैचवर्ड दे रखा है, इस जजमेंट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैचवर्ड है, तो पूरा कैचवर्ड का एक लिस्ट आ जाता है। तो जैसे हमको देखना है कि इसमें जो एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन है किधर यूज हुआ, तो इंस्टेंटली इसको हम हाईलाइट करेंगे, ये बता देगा कि सेवेंथ पैराग्राफ में आपका एक्जीक्यूटिव पावर का यूज हुआ है, इस ऑफ द यूनियन का यूज हुआ, तो आप इसको हाईलाइट पोर्शन को इंस्टेंटली पढ़ सकते हैं, तो आपको हेल्प करता है। अगर आप चाहते हैं उस पोर्शन को, जैसे मैंने यहाँ पर किसी जैसे एग्जीक्यूटिव वाले को हाईलाइट किया और हमको लगता है कि हाँ ये वाला पैराग्राफ आपको कोट करना चाहिए, तो मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से यहाँ तक, और कॉपी करने के बाद में मैं पेस्ट करता हूँ, तो आप यहाँ इधर के नीचे वो साइटेशन आ जाता है पार्टी का नाम के साथ में साइटेशन आ जाता है, तो आपको बाद में फिर ये ड्राफ्टिंग के टाइम में हेल्पफुल होता है कि कहाँ से आपने पिक किया, तो ये सब सारी फैसिलिटी आपको कॉपी पेस्ट के टाइम में मिल जाती है। फिर आप इंस्टेंटली इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, किसी को मेल कर सकते हैं, वर्ड में डाउनलोड कर सकते हैं, स्टिकी नोट का फैसिलिटी है, आप स्टिकी नोट आप कर सकते हैं, जैसे मैंने स्टिकी नोट इधर इसमें जजमेंट में लगाया हुआ, तो आप इसको हाईलाइट करके अपना कमेंट भी डाल सकते हैं, तो स्टिकी नोट आप ऑन करेंगे तो आप हाईलाइट करेंगे डाल सकते हैं, तो केवल इसी पोर्शन का प्रिंट आउट लेना हुआ विद कमेंट आपको प्रिंट आउट लेना, वो सारी फैसिलिटी हमने स्टिकी नोट के थ्रू दे रखी। फिर आप क्लाउड के ऊपर सेव कर सकते हैं, आपका ड्रॉपबॉक्स और गूगल ड्राइव अकाउंट इंस्टेंटली आप चाहते हैं उस पर सेव कर लें, सेव कर सकते हैं। मनुपात्रा के अंदर जैसे ये जजमेंट आपको इंपॉर्टेंट लगा, आप चाहते हो कि नहीं हम एक मनुपात्रा के अंदर ही फोल्डर बना लें, उसमें सेव करने की बाद में हम इसको रिट्रीव कर सकते हैं, तो ये सेव डॉक्यूमेंट का फोल्डर है, या तो आपने जो फोल्डर बनाया हुआ उसमें आप सेव कर लें, जैसे मैंने लेबर बनाया मैं चाहता हूँ इसमें सेव कर लूँ, तो ये सेव कर लियो। अब 10 दिन के बाद ये 15 दिन जब मैं कोई नया केस उसमें सर्च करता हूँ तो हमको लगता है कि नहीं ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट लेबर में सेव करता है, तो माई सेव डॉक से मैं उसको रिट्रीव कर सकता हूँ, तो लेबर को क्लिक करेंगे तो जो भी जजमेंट लेबर में सेव कर रखा था उससे हम रिट्रीव कर सकते हैं। इसमें आपको लगता है कि कुछ नोट लगाना चाहिए, जो भी पढ़ रहा हूँ उसको मैं नोट में लिख लूँ, तो माई नोट के फैट की फैसिलिटी दे रखी, तो आप इंस्टेंटली ऐड टू नोट में जाएंगे, जैसे मैंने पहले से भी नोट लगाया, तो मैं कोई भी नोट लगाना चाहता हूँ तो इसमें मैं एक नोट का टाइटल दूंगा और इसमें मैं कुछ नोट में लिख भी सकता हूँ, तो जो भी आपको लिखना हुआ यू कैन राइट हियर, आप लिखेंगे, और फिर इसमें आप चाहते हैं कि ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है तो इसको कॉपी पेस्ट करके नोट में हम डालें, तो आप नोट में रख सकते हैं, सो दैट आपको फिर से दोबारा उस केस की स्टडी करने की जरूरत है, आपने साथ पूरा पॉइंट समराइज कर रखा है, आपने नोट बना करके इसको सबमिट कर लिए, आपका ये नोट आपकी इस जजमेंट के साथ लग गए, तो जब कभी भी इन फ्यूचर में आप जजमेंट खोलेंगे तो आपका ये नोट मिल जाएगा, सारा नोट आ जाएगा। कई बार आप नोट भूल जाते हैं कि किसमें लगा, तो सिंपली आपको माय नोट क्लिक करना है, पूरा नोट का लिस्ट आ जाएगा, आप जो टाइटल दिया था उससे आप इसको आप ले सकते हैं या आप इसके अंदर सर्च कर सकते हैं, तो वो आपका इस तरह से सर्च, जो भी आप प्रीवियस सर्च करते हैं तो वो सर्च हिस्ट्री में आपका होता है, आप इधर से आप जैसे जनरल जस्टिस मैंने सर्च किया था तो वहां से आप रिट्रीव कर सकते, तो आपका ये जजमेंट, और जजमेंट को आप अनदर विंडो में भी खोल सकते हैं, दूसरा विंडो में खुलेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक प्रिंट रेप्लिका दे रखा, तो कई बार आपको लगता है कि नहीं जजमेंट का हमको कोर्ट की कॉपी ही प्रोड्यूस करना है, तो हर एक ने हमने प्रिंट रेप्लिका कोर्ट की कॉपी दे रखी, तो देयर इज नो नीड टू डिपेंड अपन कि कौन से किसी पब्लिशर का लाना है वो प्रिंट देना है, आप कोर्ट को इस कोर्ट कॉपी को आप प्रोड्यूस कीजिए, इसमें आपका नाम भी नीचे लिखा हुआ है जो जिस नाम से सब्सक्राइब किया हुआ है, कोर्ट की कॉपी आपको मिल जाएगी, आप इसको इसमें दे सकते हैं। मनुपात्रा का भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वो वाला PDF या कोर्ट का PDF, दोनों में से जो भी आपको लगता है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमने PDF फॉर्मेट आपका कोर्ट कॉपी का भी दे रखा। फिर इसका फॉन्ट साइज भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, किसी भी जजमेंट का फॉन्ट चेंज करना हो फॉन्ट साइज का, जैसे सुप्रीम कोर्ट में सपोज दैट कि आपकी रिक्वायरमेंट टाइम्स न्यू रोमन में
वो प्रेफर करते हैं। तो आप टाइम सेट कीजिए, लाइन स्पेसिंग कितना होना चाहिए, कौन सा साइज फॉन्ट का कितना होना चाहिए, आप उस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये सब सारी फैसिलिटी हमने इसमें दे रखी। दूसरी खासियत क्या है कि जैसे मैंने जेंडर जस्टिस सर्च किया, इसमें आप देखिए कोर्ट वाइज फिल्टर आ गया, इसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड मेंशन है वो फिल्टर आ गया, किस सब्जेक्ट के ऊपर में है वो आपको एक शॉर्ट फिल्टर रिजल्ट का ऑप्शन आ जाता है, फिर किस जज साहब ने लिखा है वो जज वाइज ईयर वाइज आ जाएगा, डॉक्यूमेंट टाइप जैसे कितने एक्ट में ये मिला है तो एक्ट सेंट्रल एक्ट वाला लिस्ट में वो मिल जाएगा, जजमेंट में कितनी जगह आया वो सब सारा आपको एक फिल्टर होकर आता है। इंडस्ट्री वाइज सेग्रीगेशन भी आपने कर रखा, फिर आपका ये मिनिस्ट्री वाइज सेग्रीगेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बेंच वाइज भी आप देख सकते हैं कि आप लार्जर बेंच का डिसीजन पहले पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद सारी जजमेंट का हेड नोट आप फर्स्ट पेज पर ही पढ़ना चाहते हैं बट साथ साथ में पढ़ना चाहते हो तो हेड नोट भी साथ साथ में आ जाए, 10 जजमेंट का हेड नोट भी आप एक साथ प्रिंट ले सकते हैं। आपको जो लगता है कि ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है मैं इसको सेशन लिस्ट में ऐड कर लूं, तो आप चाहते हैं कि लास्ट में मैं इसको सेशन लिस्ट जस्ट इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका ये सेशन लिस्ट में ऐड हो गया। तो जो जो जजमेंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप सेशन लिस्ट में आप उसको ऐड कर सकते हैं, और सेशन के लास्ट में आप चाहते हैं कि इससे मैं सबका इकट्ठा प्रिंट लूं एक ही साथ वो जजमेंट का प्रिंट आ रहा तो वो पॉसिबल है, वो आपका सेशन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अलाउ करता है दोनों जजमेंट की साथ में प्रिंट लेना, दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट लेंगे या मेल करना है तो इकट्ठे ही दोनों जजमेंट का एक साथ प्रिंट आ जाएगा, आप किसी को मेल कर सकते हैं सेव कर सकते हैं। तो आप जब भी आप अपना कोर्ट का इंडेक्स बनाते हो तो इस तरह से आप इंडेक्स इसके साथ में ये वाला लगा करके दे सकते हैं, तो ये इसकी खासियत है। फिर मैं इसके फिर इसको फिल्टर कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं सर्च रिजल्ट में जनरल जस्टिस किया था, अब मैं चाहता हूं कि जो जनरल जस्टिस सर्च किया था इसके अंदर फिर कुछ फिल्टर करूं, तो जैसे मैं एक इन्वर्टेड कॉमा के आर्टिकल 14 लिखता हूं, तो आप ये डबल कोट के अंदर लिखेंगे तो एग्जैक्ट एज ए फ्रेज सर्च करें, और जो भी ये सर्च की जो पैरामीटर्स है एंड एन और का ऑप्शन यूज कर सकते हैं या इसमें और भी ऑप्शन जो टिप्स में हमें दे रहे हैं आप टिप्स का यूज कर सकते हैं, नॉर्मल क्वेरी फ्रेज क्वेरी एंडिंग ऑरिंग नेगेटिव साइन का भी यूज कर सकते किसी वर्ड को एक्सक्लूड करने के लिए, तो वो सब सारा इस तरह से आप फिल्टर कर सकते। इसके अंदर फर्दर आप फिल्टर करना चाहते हैं तो आप इस तरह से आप इसको फिल्टर जैसे माइनर सर्च किया तो फिल्टर कर सकते, तो सर्च विद इन सर्च आप कर सकते हैं, ये फिल्टर का ऑप्शन है, तो इस तरह से आप इसको। फिर लैंग्वेज चेंज का है, जजमेंट के अंदर में गूगल में लैंग्वेज चेंज का भी हमने दे रखा, तो कोई भी जजमेंट आप ओपन करेंगे तो उसका लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, इधर से आपका गूगल ट्रांसलेट का भी फैसिलिटी हमने दे रखा, बट दिस इज द गूगल ट्रांसलेट, आप इस हम उसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, बट समझने के लिए आप उसको चेंज कर। अब मैं आता हूँ लीगल सर्च के ऊपर, ये एक इंडेक्स बेस्ड सर्च है, कई बार आप पार्टी नेम से सर्च करना चाहते हैं, जैसे मैं मेनका गांधी लिखा सर्च किया तो आप पार्टी नेम से सर्च कर सकते हैं, तो मेनका गांधी की जितनी भी डिसीजंस है जिसमें एक पार्टी मेनका गांधी है वो सारी डिसीजंस आपकी है, चार सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली हाई कोर्ट का। इसी तरह से लीगल सर्च में आप सब्जेक्ट वाइज सर्च कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से नैरो डाउन कर सकते हैं, डिस्पोजिशन केस अलाउड इन अपील अलाउड, तो ये सब पैरामीटर आप कॉम्बिनेशन दे सकते हैं इसमें, या डेट वाइज सर्च करना है या फिर आप चाहते हैं कि नहीं कोई दो सेक्शन के ऊपर में सर्च करें, जैसे मैं लिखता हूँ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो मैंने ये लिया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138, और मैं चाहता हूँ एक और सेक्शन ऐड करूँ एनआई एक्ट आईपीसी 420, तो ये दोनों सेक्शन के ऊपर में जो भी जजमेंट होगा वो जजमेंट आपका ये दिखा देगा, फिर आप इसके अंदर में सर्च विद इन सर्च कर सकते। इसी तरह से फिर आपका साइटेशन सर्च, जैसे कोई भी साइटेशन आपको फाइंड आउट करना है तो आप इसमें साइटेशन में जैसे मनु की साइटेशन है तो आप मनु टाइप कर दीजिए और साइटेशन फिल कर दीजिए, जैसे आपके पास में AIR की साइटेशन है तो आप AIR सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसमें AIR लेता हूं और इसमें मैंने ईयर ले लिया 1973 और पेज नंबर डाल दिया 1461, तो इस तरह से मैंने ये कर लिया सर्च कर लिया, तो ये आपका जैसे ये देखिए 1970 केशवन एंड भारती वाला जजमेंट जो है वो मिल गया, तो इस तरह से हम साइटेशन सर्च भी इसमें कर सकते हैं, ये साइटेशन सर्च की खासियत है। तो 300 से ज्यादा एक करंट जजमेंट के साइटेशन हमने दे रखा तो वो इसमें सर्च हो जाता है। इसी तरह से फिर असिस्टेड सर्च, आप जैसे मैं आप कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेरी आप इसमें दे सकते, जैसे सपोज दैट रेंट कंट्रोल और मैं चाहता हूं कि दो वर्ड इविक्शन टेनेंट मैंने लिखा और ये दोनों वर्ड 10 वर्ड के अंदर होना चाहिए, तो रेंट कंट्रोल एज ए फ्रेज होना चाहिए, इविक्शन टेनेंट
10 वर्ड के अंदर होना चाहिए और उस जजमेंट में कॉमर्शियल वर्ड नहीं होना चाहिए। तो आप एक साथ ये क्वेरी आप फ्रेम करके इसमें डाल सकते हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट होगा वो आपको ये रिजल्ट इंस्टेंटली प्रोवाइड कर, तो ये एक इस तरह से आपको ही मिल जाता है। और जो भी आप सर्च, जैसे मैं कुछ इसमें सर्च करता हूं, जैसे मैंने इसमें सर्च किया डाउरी देत किया, सर्च किया, तो आप इस सर्च के ऊपर में जो भी जजमेंट आपने पढ़ा आज के डेट में, पढ़ने के बाद में आप चाहते हो कि इस पर सेट अलर्ट, सेट सर्च अलर्ट लगाना, आप इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद में ये आपका जजमेंट, ये क्वेरी सेव हो जाएगा। आप इसके ऊपर में ईमेल अलर्ट लगा सकते हो, कल को मैं जैसे ये डाउरी देत मैंने सेव कर लिया, कल को मैं चाहता हूं कि कोई नई जजमेंट आए तो आपको एक अलर्ट आ जाए, तो इधर से आप इसमें अलर्ट यहाँ पर नंबर ऑफ डेज साइन करके आप ईमेल आईडी डाल करके इधर सेट अलर्ट कर देंगे, तो टुमारो ऑनवर्ड जैसे ही हम लोग नया केस ऐड करेंगे वो आपको एज ए अलर्ट सारे केसेस आते रहेंगे। जैसे कल को हमने 200 केस ऐड किए, उसमें 4 केस रिलेवेंट मिला, तो आपको इंस्टेंटली वो केस आपको भेज देंगे। तो ये सब सारी चीजें हमने इसमें इस तरह से दे रखा, तो आपका ये जितना भी टूल्स है उससे आपको काफी टाइम सेव हो जाता है। हमने होम पेज पर कुछ वैल्यू एड दे रखे हैं, जीएसटी रेट फाइंडर है, जीएसटी इंपॉर्टेंट डेट है, रेडर रेडी रेक्टर है, तो आप किसी भी दो स्टेट का इसमें कंपेयर कर सकते हैं, तो वो कंपेयर प्रोविजन का भी हमने किस टॉपिक पर करना है, तो उस तरह से आप उसका कर सकते हैं। सेंट्रल के साथ में दोनों स्टेट का ये कंपेयर प्रोविजन कि जो मैंने आपको कंपेयर दो एक्ट के बारे में बताया था, वो लॉ एंड डेट एंड डेट ऑफ इंसेप्शन, किसी भी एक्ट का, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, तो आप यहाँ से भी उसका रिपील एंड रिपीलिंग एक्ट के साथ में कंपेयर प्रोविजन देख सकते हैं। तो होम पेज पर हमने सारा ये चीज प्रोविजन दे रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आपको पूरा मिल जाए, किसी भी दो सेंट्रल एक्ट को आप कंपेयर कर सकते हैं। डिक्शनरी आपको ये दर दे रखा, मैक्सिम स्कोर कैलेंडर, सारी चीजें इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर में हमने दे रखी है। ये सब सारी इन्फॉर्मेशन है। लीगल एनालिटिक्स है जो आपको बताता है कि आप, जैसे मैं एडवांस जज एनालिटिक्स है, किस जज साहब ने कितनी जजमेंट ऑथर्ड की, जैसे मैं रमाना सर का मैं देखना चाहता हूँ, जैसे एनवी रमाना सर ने कौन कौन सी जजमेंट क्रिमिनल लॉ के ऊपर में लिखा है, तो आप यहाँ से सिंपल आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा है। तो एनवी रमाना सर का ये पूरा आपको दिखा रहा है, जैसे 2022 में उन्होंने 6 जजमेंट लिखी और 225 जजमेंट में 6 जजमेंट लिखी। आप टॉपिक वाइज देखना चाहते हो कि क्रिमिनल पर कौन कौन सी जजमेंट ऑथर्ड है एनवी रमाना सर की, तो आप ये पूरा पढ़ सकते हो इसमें, अगर आप उस बेंच में अपीयर हो रहे हो। ये इस तरह से आप हाईकोर्ट का भी खोल सकते हो, तो आपको ये हाईकोर्ट में किसी बेंच में आप अपीयर हो तो उनका ऑथर्ड जजमेंट यू कैन रीड दैट पेज। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक एडवांटेज दे रखा है, काउंसिल वाइज भी हमने दे रखा है किस बेंच में कौन से काउंसिल कितने टाइम अपीयर हुआ है, वो सब सारा। डिस्पोजिशन भी द जजमेंट प्रोनाउंस वो हमने दे रखा, जज इनकी जज इन्होंने किस जजमेंट किनकी जजमेंट कितनी टाइम साइड कर रखी है, इनकी जजमेंट दूसरे जज साहब ने कितनी टाइम साइड कर रखी है, तो ये सारा एक एनालिसिस हमने दे रखा। तो एक मनुपात्रा में आपको ये एडवांटेज मिलता है जो हमारा एआई और एनएलपी के साथ में जो विजुअलाइजेशन और एनालिटिकल टूल है, ये आपके टाइम को काफी सेव करता है और इंस्टेंट रिजल्ट आपको देता है, सो दैट आपको ड्राफ्टिंग में काफी हेल्प करता है, आप इंस्टेंटली आपको ड्राफ्ट करने में मदद करता है। ये सब सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर में इस तरह से आपको मिल जाती है। तो ये सब सारी मेन मेन चीज है, आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आपको, आप अगर यूजर हैं तो यूज करें, कोई प्रॉब्लम आया तो आप हमें मेल कर सकते हैं, या आपको लगता है डेमो देखना है, आप यूजर नहीं है तो आप डेमो के लिए हमारा जो टोल फ्री नंबर या नंबर है उस पर आप कर सकते हैं। तो ये मनु पात्रा का हमने आपको दिखाया। अब मैं आपको केस वॉच के बारे में बताता हूँ। केस वॉच हमारा दूसरा प्रोडक्ट है। एक्चुअली क्या है, केस वॉच लाइव केस ट्रैकर है, जो आपका जो भी पेंडिंग केसेस होता है उसकी आप लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं। जैसे आपके कई सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होते हैं, हाई कोर्ट में पेंडिंग होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग होते हैं, आपको वरी होता है कि उसका जो डेट चेंज हो रहा है, आपको बराबर साइट के ऊपर जाना पड़ता है, किसी भी साइट पर जाए वहां से जाकर के आपको चेक करना पड़ता है, कई बार ऑर्डर प्रोनाउंस होता है और आप जिस समय देखते हैं उस समय आपको नहीं मिलता है, फिर बाद में कोर्ट की साइड पर ऑर्डर प्रोनाउंस होता है, तो वो आपको रेगुलर एक क्लोज आई उसके ऊपर में रखना पड़ता है कि आप उसको देख सके।
मैं इसमें अब आपको ये लॉगिन करके दिखाता हूं। तो इसमें किस तरह से ये काम करता है, हमने डेमो के लिए क्या किया हुआ है, कुछ केसेस आपको दिखाने के लिए हमने ऐड किया वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसमें करते हैं। तो इसमें देखिए जो भी केसेस मैंने ऐड किया हुआ है, आज जो केस लिस्ट हुआ हुआ उसकी पूरी डिटेल है, ये भी जो कॉज लिस्ट लगा उसकी एक डिटेल है। इसमें खासियत यह है कि जो भी आपका सबसे पहला काम होता है कि आप ऐड केस के थ्रू आप केस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कोर्ट वाइज यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट, इसमें आपको ये फीचर आएगा कि केस टाइप या डायरी नंबर है उससे आप ऐड कर सकते हैं। फिर आप हाई कोर्ट से नंबर से आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आपके पास में अगर हाई कोर्ट का, जैसे मैं ये हाई कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट का लेता हूँ, मैं यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट लिया और सपोज दैट एक रिट पिटीशन नंबर है तो इधर मैंने रिट पिटीशन ले लिया, रिट पिटीशन नंबर 7860 और ईयर इसका है 2022। तो मैं अगर मैं इसको फेच इमीडिएटली ऐड करूंगा तो ये हमको ये भी इंफॉर्मेशन, ये हमारा केस, ये हमारा ये ऐड केस का इस तरह से ये दिखा दिए। तो ये ऐड करने का तरीका है, ऐड करने का अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए तो वो आपके पास अगर सीएनआर नंबर है तो सीएनआर नंबर के थ्रू ये केस ऐड सक्सेसफुली पहले वाला दिखा दिए, ये सीएनआर नंबर के थ्रू ऐड कर सकते हैं। आपके पास अगर बल्क सीएनआर नंबर ऐड करना चाहते तो उसका भी हमने एक फीचर देखा, फॉर्मेट दे रखा, फॉर्मेट के थ्रू ऐड कर सकते। अब जो भी केसेस आपने ऐड किया वो आपके डैशबोर्ड पर आ गए, डैशबोर्ड पर हमने माइकेस का दे रखा, तो माइकेस आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज, अभी देखिए ये जो केस ऐड किया अभी उसका डेटा फेच हो जाएगा फिर ये, ठीक है। अब ये डैशबोर्ड पर ये आपका ये केसेस सारा ये दिख रहा है जो आपने ऐड करा। एडवांटेज ये है कि अगर मैं देखना चाहूँ कि इसमें जो भी केसेस ऐड किए तो इसमें सेलेक्ट ऑल पेंडिंग केसेस, डिस्पोज केस, हमने काफी सारे केसेस टैग कर रखे हैं उस वाइज करना है, या सॉर्टिंग करना है करंट फ्रॉम द करंट डेट ऑफ हियरिंग्स जो लगा हुआ है, तो आज के डेट के हियरिंग से जो जो केसेस आपका लिस्टेड है वो आपको इस तरह से दिखता है। तो ये इसमें एक एडवांटेज मिल जाता है। और अगर आप किसी केस में जाते हो, जैसे मैं इस केस को ओपन करता हूँ, तो उसका कोई भी ऑर्डर पीछे का अगर देखना हो तो इंस्टेंटली हम उस ऑर्डर को ओपन कर सकते, यहाँ पर ऑर्डर ओपन कर सकते कि उस ऑर्डर में हुआ था, ये एक एडवांटेज मिल जाता है। और आप चाहते हो कि नहीं ये जो ऑर्डर है मैं किसी को मेल कर दूं, कोई क्लाइंट है आपका, आप चाहते हो कि मेल कर, तो सिंपली आपको टू में उसका ईमेल आईडी लिखना, इंस्टेंटली आप उसको मेल कर सकते। तो पूरी इंफॉर्मेशन जो भी आपकी केसेस पेंडिंग है उसका डेट एंड कॉज लिस्ट, और इसमें फायदा ये है कि आपको ये ईमेल पर अलर्ट भेजता, ईमेल अलर्ट की फैसिलिटी है, एसएमएस अलर्ट की फैसिलिटी है, एसएमएस अलर्ट का एक्स्ट्रा चार्जेज है, तो वो फैसिलिटी भी हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से आप इसको इसमें नोट भी लगा सकते हैं, या आप इसको गूगल ड्राइव पर नोट कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जो भी केसेस का डिटेल है। तो ये माई केसेस के साथ ही एडवांटेज मिल जाए। तो पूरा इसमें जैसे अलर्ट लगाना, तो ये केस जैसे ये है, मैं चाहता हूँ कि इसमें अलर्ट लगा दूँ, तो जैसे मैं ये सॉर्टिंग वाला लेता हूँ, करेंट डेट ऑफ हियरिंग का ले लेता हूँ, सपोज दैट ये केस जैसे ये 23rd को ये केस लिस्टेड, मैं चाहता हूँ कि इस पर एक अलर्ट लगा दूँ, ये हमको भी अलर्ट आए और हमारे पास तो आ ही रहा, मैं चाह रहा हूँ कि क्लाइंट के लिए अलर्ट लगा, जो मेरा कोई क्लाइंट या कोई कलीग है, तो डे बिफोर टू डे बिफोर हेयरिंग का मैं लगाना चाहता हूँ, तो टू डे बिफोर हेयरिंग का लगा दिया, उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऐड कर दिया। कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर पहले से नाम ऐड किया हुआ तो सिंपल वहां पर एक लेटर लिखेंगे तो वो नाम वहां से वो फेच कर ले, नहीं तो आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर उधर हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट में पहले बनाया जो डैशबोर्ड पर पहले, उसे फेच कर लेगा और उसको फिर ये जैसे ही सेव करेंगे तो हियरिंग के 2 दिन पहले मतलब 21st को इसका उनको एक अलर्ट चला जाएगा, या ईमेल पर अलर्ट चला जाएगा, और फिर जो नेक्स्ट हियरिंग आएगी तो 2 दिन पहले उनको अलर्ट जाएगा। तो ये एक अलर्ट का सिस्टम भी इसमें बना हुआ है। आप केसेस को टैग कर सकते हैं, जैसे ये केस और ये केस जो हमने टैग लिस्ट बनाया हुआ, तो मैं चाहता हूँ उस टैग लिस्ट में ऐड कर लूँ, या नया टैग बनाना है तो नया टैग भी बना सकते हैं, नया टैग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो सेम टैग में भी इस केस को मैं ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड हो जाएगा, इस तरह से आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये एक आप
सबसे बड़ी चीज है कि आप इसको रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, जो भी केसेस है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपने सिविल में या क्रिमिनल में कुछ टैग करके केसेस को रखा हुआ, जैसे क्रिमिनल का मैं लिस्ट देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका एक रिपोर्ट निकालो, तो आप यहाँ एक्सेल यहाँ से डाउनलोड करो, तो ये आपका एक्सेल डाउनलोड है। तो ये आपका इस तरह से ये काम करता है। फिर आपका ये आप इसमें मल्टीपल यूजर के ही फैसिलिटी है ऑन द पेड बेसिस, तो आप असाइन यूजर भी बना सकते हो। केस सर्च का प्रोसेस है, जैसे आप एडवोकेट हो, आपने जिस नाम से ले रखा है, तो आपका जैसे जैसे ये इसमें कुमार के नाम से किया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो नाम आ रहा है कुमार से, जो एज एडवोकेट, उसका वो केस सजेशन दिखा सकता है, लगता है कि हाँ ये केस हमारे, ये हमारा है, तो आप इसको इंस्टेंटली यहीं से ऐड कर सकते हैं, इसी तरह से हाईकोर्ट में फेच करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो भी केसेस नॉट रिलेटेड टू केवल आपका, आप चाहते हो कि किसी और पार्टी का किसी केस, जैसे मैं मारुति के एग्जांपल, जैसे मारुति एक कंपनी है, मैं चाहता हूँ कि इसकी कौन कौन सी केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में, जैसे मैं, तो यहाँ पर मैं सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट कर दिया सर्च कर लिया, तो आपको ये पूरी पेंडिंग केसेस का लिस्ट दिखाता है कि मारुति जहाँ कि जैसे मारुति जैसे ये आ रहा है, तो जिसमें एक पार्टी में कहीं भी नाम मारुति का, जैसे मारुति सुजुकी कमीशन ऑफ सर्विस टैक्स मारुति सुजुकी का ये केस पेंडिंग, तो ये 22 अप्रैल को लिस्टेड था सुप्रीम कोर्ट में, तो ये आपको यहाँ से एक, वो तो कई बार होता है फॉर ड्यू डिलिजेंस पर्पस आप किसी का वो निकालना चाहते हो कि इसके कोई केसेस लगे हुए हैं क्या, तो मनुपात्रा में तो आपको डिसाइडेड केस मिल जाते हैं, बट आपको इधर जो भी पेंडिंग केसेस है उसका वो लिस्ट एक एडवांटेज मिल जाता है। फिर जो भी केसेस आपके जो कॉजेस में डेट लगा या कोई ऑर्डर है वो कैलेंडर में आपका सिंक हो जाता है। ये एडवांटेज क्या है, ये कैलेंडर है, आप इसको गूगल में के कैलेंडर के साथ भी सिंक कर सकते हो, और इसमें हमने कलर कोडिंग कर रखा है सुप्रीम कोर्ट का, ये अलग अलग का आपको उस तरह से कलर दिखेगा, तो इधर आपका है। और इसमें एक एडवांटेज क्या है, जैसे मैं देखना चाहता हूँ कल जो 20 कल जो मेरा केस लिस्ट है कौन कौन सा, तो नेक्स्ट हियरिंग डेट 21 का ही आपका। अब मैं किसी को मेल करना चाहता हूँ कि हमारा एक कलीग है, मैं चाहता हूँ कि उसको मेल कर दूँ, या पार्टी को मेल करना, मेल कर सकते हैं, या पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, या ये इंस्टेंट अलर्ट भी सेट कर सकते हो, ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। तो आपको ये पूरा जो कॉजलिस्ट है साथ साथ मेल चला दो। दूसरा क्या है ना कि आप कॉजलिस्ट डाउनलोड करते हो कोर्ट के अलग अलग साइट से, तो वो कॉजलिस्ट अलग अलग डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ क्या करना है, कॉजलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे आपका सारा कॉजलिस्ट यहाँ पर आ, जैसे सुप्रीम कोर्ट की इस डेट को कौन कौन सी मेरी केस लिस्टेड है, वो पूरा जो आपने आपने केस ऐड किया वो आ जाएगा। इसी तरह से आपका कोई ट्रिब्यूनल का है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, या सिंपल आप कॉजेस देखना चाहते हो इंस्टेड ऑफ डेट, तो वो भी आ जाता है। आपको एक्सेल में डाउनलोड करना है, पीडीएफ में डाउनलोड करना, आप वो आपका डाउनलोड कर सकते हो। आप कोई भी केसेस है आपको लगता है कि वो डिस्पोज हो गया है, उसको आर्काइव कर देना, तो आप उसको आर्काइव भी कर सकते हो। आप यहाँ से सॉर्ट करेंगे, डिस्पोज बाय बाई का वो फीचर आ जाएगा इसमें, आप उसको आर्काइव भी कर सकते हो, सो दैट यू कैन ऐड न्यू केसेस। और मनुपात्रा यूजर के लिए हमने क्या किया, जो मनुपात्रा यूजर है वो केसवाइज यूज कर रहे हैं, तो जो मैंने सर्च अलर्ट दिखाया था उस तरह का अलर्ट फैसिलिटी इसमें भी प्रोवाइड कर रखा है, तो ये मनुपात्रा का ही एक पार्ट फीचर है। तो फ्री टेक्स्ट सर्च, मैंने जैसे डिवोर्स लिखा और मैं चाहता हूं इसमें कोई टॉपिक इसमें लिख दूं, डिग्री फॉरेन डिवोर्स, और मैं ऐड सर्च कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, ये सर्च टॉपिक हमारा ऐड हो गया, अब ये सेव हो गया। अब कल को इस पर कोई नई जजमेंट आएगी तो डिवोर्स टॉपिक से आपको ईमेल पर अलर्ट आ जाएगा कि ये 3 जजमेंट इससे रिलेटेड है या उस तरह से, तो मैक्सिमम 10 अलर्ट आप एक साथ सेट कर सकते हैं। तो ये केसवाइज का एडवांटेज है, आप इसमें सारा केस अपना ऐड कर सकते हैं, या आप इसमें अपना कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, यही मैं कॉन्टैक्ट के बारे में बता रहा था, ऐड कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सो दैट आपको बाद में लगता है कि वो अलर्ट के टाइम में वो कर सकते हैं, या आप कॉन्टैक्ट यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। इसमें हमने फिर टू डू का लिस्ट दे रखा है, आपको जो चीज़ लगता है तो टू डू में आप इसमें डाल सकते हैं, वो टू डू का लिस्ट जैसे ही आप कर लेंगे तो आप इसका एक जैसे आप ओपन करेंगे टू डू का लिस्ट, साथ में आपका रिमाइंडर कॉल इधर रिमाइंडर वो आता रहेगा टू डू का, और ये कैलेंडर में भी ऐड रहता है, जो भी टू डू है वो आपके कैलेंडर में भी ऐड हो जाता है। मैनुअली भी आपका जो इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल का दे रखा है, उसके अलावा कई सारे और जैसे एडमिनिस्ट्रेशन मैटर या कुछ भी है, आप चाहते हो कि मैनुअली हम उसका डेट एंटर कर दें, तो दैट इज ऑल्सो फिजिबल। माई केस में जाएंगे और मैनुअली भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐड के जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल का था, ऐड केसेस करके मैनुअली भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे बिहार लैंड ट्रिब्यूनल है, आप चाहते हो कि इसमें मैनुअली ऐड करना, तो वो आप वो ऐड कर सकते हो उस तरह से।
माई केसेस में, ऐड केसेस में जाकर करके, सॉरी मैं वहां से दिखा रहा था, यहाँ पर आप जाएंगे ऐड केसेस करेंगे तो आप यहाँ पर वो ऐड कोर्ट में, जैसे बिहार लैंडर में, तो आप इसमें डिटेल डाल करके कोई भी आपको डेट लग गया तो कोर्ट के साइड पर नहीं तो आप डेट डाल सकते हैं, ये भी आपके कॉज लिस्ट और कैलेंडर में ऐड हो जाएगा, वो कैलेंडर के अंदर में दिखेगा, ये कैलेंडर के ऊपर में आप इसको देख सकते हैं। तो ये केस वाइज का ये एडवांटेज है, सो इट विल सेव द टाइम। कैवियट का भी ऑप्शन दे रखा है, माई नोट पैड नोट का आपको अलग से, जो भी आपने नोट लगाया हुआ है वो सारा नोट आपको अलग से, ये सारी नोट आपको इधर इसमें दिखता है, तो ये सब सारी चीज है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपकी इसमें कोई भी क्वेरी हो आप आपको मेल कर सकते हैं, आपका आपको अगर डेमो देखना हो तो आप इसको डेमो के लिए भी आप मेल कर सकते हैं, तो आपको हम लोग इसका फिर से डेमो दिखाएंगे। तो ये है केस वर्क। अब आपकी जो भी क्वेरी है, आपने पूछा है कि व्हाट इज द चार्जेस ऑफ केस वर्क, केस वर्क के चार्जेस साइट के ऊपर में भी दे रखा है, जैसे 1500 केसेस का 7965 का, आपको अप टू 1500 केसेस का विद ऑल द फीचर्स जो मैंने आपको दिखाया 7965 वो आपको उसका चार्जेस, एनुअल चार्जेस है। अगर आपको असाइन यूजर करते हैं तो असाइन यूजर की आप फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो आप कुछ, तो उसका फिर से कुछ आप कुछ सर्टेन चार्जेस उसके अलग से, बट सिंगल यूजर के लिए जो मैंने आपको बताया अप टू 1500 केसेस के लिए वो चार्ज आपको देना पड़ेगा फॉर दैट केसेस। आपकी कोई अगर किसी की कोई भी क्वेरी हो तो वो मैं भी सबको अनम्यूट कर रही हूँ सो दैट यू कैन इजीली आस्क क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये सेशन इंटरेक्टिव लगा होगा और इसमें अगर कुछ भी आपकी क्वेरी होगी आप बाद में भी आप हमको मेल कर सकते हैं, मैं आपको contact@manupatra.com हमारा ईमेल एड्रेस है उस पर आप शेयर कर सकते हैं, या हमारे साइट के ऊपर में कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, टोल फ्री नंबर अवेलेबल है, उस पर भी आप हमें अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। हमारा मनुपात्रा ऐप भी है, आप मनुपात्रा ऐप पर वो सारे मनुपात्रा साइट के ऊपर हमने ट्रेनिंग का सेशन दे रखा है, उसमें अपडेट का एक फीचर है, आर्टिकल की फीचर है, सारा चीज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। न्यूज लाइन हम भेजते हैं वो अपडेट में आपको सारी फैसिलिटी उसमें मिल जाती है, तो आप उसको साइन कर सकते हैं। आप अगर आपको न्यूज लाइन चाहिए होता तो 3 डेज के बेसिस में, तो आप उसमें डेट वाइज भी आप साइन कर सकते हैं कि किस किस टॉपिक पर आपको एक न्यूज अलर्ट चाहिए, तो आप वो हमारे साइट के ऊपर में अपडेट का फीचर है उसके थ्रू आप उसमें कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए अलग से सेक्शन है, हमने अच्छी मटेरियल उसमें हम लोगों ने दे रखा है तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, सारी चीज मिलेगी। यूट्यूब के काफी सारे लिंक है, वीडियोस लिंक है, आप उसको भी मनुपात्रा के साइट के ऊपर में सारा अवेलेबल है, उसमें हमारी सारी प्राइसिंग दे रखी है, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सारी प्राइसिंग। आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज सर कमेंट सेक्शन में फ्यू क्वेश्चंस आर मेंशन। यस यस मैं ले लूंगा। जो आपने पूछा इंटरनेशनल केस लॉ में क्या सेम फीचर्स हैं, तो मोर और लेस जितने भी फीचर्स हैं वो इंटरनेशनल केस लॉ में भी सब इम्प्लीमेंट होते, हो सकता है कुछ फीचर्स हो जो हमारे जो इंडियन केस लॉज के लिए है तो वो ना हो के बाद बाकी जितने भी जो कॉमन फीचर्स है वो सब्जेक्ट की फीचर्स है। जो लोकल लॉ की बात है जो मैंने आपको दिखाया था, स्टेट लॉ जितने भी है सारे स्टेट लॉ विथ अमेंडिंग लॉज सारे अवेलेबल हैं हमारे साइट के ऊपर में, आप उसमें जो मैंने आपको एक बताया था बेयर एक्ट का फीचर दिखाया था तो उसमें वो सारा मिल जाएगा। लीगल सर्च में भी बेयर एक्ट सर्च का फीचर है, आप वहां से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो आपको वहां पर मिल जाएगा। सर कुछ क्वेश्चंस आए थे ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन सो मैं आपको बताऊंगी, आप उनके आंसर कर दीजिएगा इफ इन केस जो नहीं पूछ पा रहे हैं। एक हमारे कलीग ने क्वेश्चन किया, हमारे एक जो पार्टिसिपेंट है उसने क्वेश्चन उन्होंने किया कंपैरिजन ऑफ एक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि होम पेज पर ही हमने कंपैरिजन एक्ट का एक प्रोविजन दे रखा,
तो उसके थ्रू आप दो एक्ट को सेंटर को आप सेलेक्ट जैसे स्टेट टू स्टेट कंपैरिजन कर सकते हैं, किसी टॉपिक वाइज भी आप उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। प्लीज तनिषा आप क्वेश्चन ले। Yes, sir. So the first question was, how can Manpatra help in legal research and how can we use the search section? हमने अभी दिखाया था सर्च सेक्शन के बारे में। तो अभी सेक्शन आपको किसी भी डायरेक्ट कोई भी सेक्शन सेलेक्ट करना है, इधर एक सेक्शन के ऊपर में, दो सेक्शन के ऊपर में, और ऑप्शन था रेलिवेंट सेक्शन, तो आप यूज कर सकते हैं। तो दोनों फीचर है उसमें, आप किसी भी जजमेंट को किसी सेक्शन से आप सर्च करना चाहते हैं तो दोनों चीज मैंने दिखाया था, आप लीगल सर्च में जाए वहां से कर सकते हैं, या आप बेयर एक्ट का जो टीओसी के थ्रू आया था उससे भी आप दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है, हाउ वी कैन गेट इट्स सब्सक्रिप्शन? हाँ, सब्सक्रिप्शन के लिए काफी इजी सब्सक्रिप्शन का तरीका, आप साइट पर जाइए, वहां पर हमने एक सब्सक्रिप्शन प्लान का ऑप्शन दे रखा है, आप उधर जाएंगे, आप उसमें अपना, या तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के बाद में हम आपको बता देंगे, तो वहां पर भी आप करेंगे पूरा फिल करने के बाद में, एक आपका यूजर आईडी पासवर्ड उसे बनने के बाद में वो पेमेंट का ऑप्शन आता है, डायरेक्टली यू कैन पे इन दैट प्लेस, और फिर हम आपको कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद में एक इंटरेक्टिव सेशन आपके साथ में होता है और फिर हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं। हमने प्लान 7500 से हमारा प्लान स्टार्ट है, तो जो भी प्लान आपको सेटेबल लगता है, जैसे कोई सेंट्रल स्टेट मॉड्यूल हम बोलते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के साथ में, कोई भी स्टेट का, एक हाई कोर्ट का वो होता है, तो उसमें सारा हमने साइट के ऊपर में एक्सप्लेन करा। आप अलग से मेल भी कर सकते हैं आपको, कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो contact@manupatra.com पर आप मेल कर दीजिए, हम आपको असिस्ट करेंगे। सर चैट में किसी ने लिखा है, व्हाट अबाउट लोकल लॉज? यस, वह लोकल लॉ के बारे में बताया अभी मैंने, लोकल लॉ जो भी है स्टेट वाइज सारा हमने सेंट्रल एक्ट के साथ साथ में वो ब्राउज करेंगे, तो स्टेट वाइज सारे एक्ट एंड रूल्स हमने दे रखे हैं। तो जैसे सेंट्रल एक्ट का दिखाया था मैंने, एक एग्जांपल दिया था, क्योंकि टाइम हमारा लिमिट है 30 मिनट्स का, तो अगर मैं सबको ओपन करके दिखाऊं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप जैसे सेंट्रल एक्ट को खोला तो सारे स्टेट के भी हमने लॉज देख रहे, स्टेट के भी अमेंडिंग एक्ट हैं, स्टेट के सारे एक्ट दे रखा है, स्टेट के सारे रूल्स दे रखे हैं, स्टेट एक्ट रूल्स के ऊपर सर्च का भी दे रखा है, कि किसी एक्ट के जैसे एक्साइज एक्ट यूपी है उसमें कुछ सर्च करना है तो लीगल सर्च में एक्ट सर्च के अंदर वो जाकर के स्टेट एक्ट को सेलेक्ट करके हम सर्च भी कर सकते हैं। So how to find brief summary of cases and laws? Yes. मैंने अभी दिखाया था वो फीचर। एक तो क्या है ना कि जैसे हम सर्च करते हैं तो रिजल्ट आता है, ऊपर मैंने कीवर्ड कैचवर्ड का एक ऑप्शन आता है, उसको टिक करने से साथ साथ में उसकी जो भी हेडनोट का कैचवर्ड का फीचर है वहीं पर वो देख सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि जजमेंट खोलने के बाद पढ़े तो ब्रीफ समरी हेडनोट जजमेंट के ऊपर भी हमारा एडिटोरियल नोट आया था, कीवर्ड वहीं पर आया, तो पूरी आपकी समरी आती है फुल टेक्स्ट जजमेंट। सबसे बड़ी एडवांटेज है यू आर सर्चिंग इन द फुल टेक्स्ट जजमेंट, फुल टेक्स्ट जजमेंट के अंदर सर्च करते हैं तो वो भी आपको पता चल जाता है कि ये जजमेंट उस फुल टेक्स्ट में कहां पर रिलेवेंट आपका वो चीज है उसमें। सर हमारा रेट के बारे में जो कंसेशन, हमारी एक रेट की एक पॉलिसी है, हम लोग मनुपात्रा डायरेक्ट कस्टमर को सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें होता क्या है ना कि एक कॉम्पिटिटिव रेट है, हमारा कोई एजेंट नहीं है, हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं है, तो एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग दे रहे थे, तो प्राइस वाइज हमारी एक वो है कि जो प्राइस हमने एक मेंटेन कर रखा है तो उसी प्राइस में आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है, तो कोई कॉन्सेशन का वो नहीं होता, आपकी जो भी आप हमें मेल कर सकते हैं, सो हमारा बंदा आपसे इंटरेक्ट कर लेगा उसके बारे में, आपको पूरा ब्रीफ कर देगा। आपने पूछा कि इस तरह के फॉरेन केसेस में बन पाता है, तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कॉमनवेल्थ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की सारी डिसीजंस, फिर यूएस का डिसीजंस आपको इंसेप्शन सुप्रीम कोर्ट यूएस और फेडरल कोर्ट के सारे डिसीजंस आपको मिल जाएगा, फिर इंग्लिश रिपोर्ट, मैरिटाइम रिपोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इस तरह की यूरोपियन यूनियन का, तो वो सब सारी जजमेंट इन फॉरेन केसेस आपको मिल जाते हैं इसमें, वो अभी फॉरेन जजमेंट का काफी एक एग्जॉस्टिव डेटाबेस हमने दे रखा है।
बहुत ही एग्जॉस्टिव डेटाबेस। So there is one question, how to get rid of the long process of justice? Long process of justice. ये question तो really justice का एक part है, मतलब कई बार होता है कि हमें case prepare करने में time लगता है, तो मनु पाता तो उसमें आपको help कर सकता है, आप just case जल्दी prepare करके submit करेंगे और जज साहब से argument के time में कहेंगे कि वो जजमेंट की जल्दी आर्गुमेंट करेंगे, तो लॉन्ग प्रोसेस तो उसी में हम लोग उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं कि हमारा एक कट शॉर्ट, आप वो सर्च किट का टाइम आपका वेस्ट ना हो, कोई जजमेंट कहीं से सर्च करना ये करना है तो उसमें ये आपको हेल्प कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि कट शॉर्ट करने के लिए तो अपना जो कोर्ट का सिस्टम है, काफी सारे पेंडिंग केसेस है, वो दैट इज दोस थिंग्स आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। सर देयर इज वन मोर क्वेश्चन, हाउ टू सर्च फॉर अ जजमेंट विद साइटेशन? Yes, जो मैंने अभी दिखाया था एक citation का example भी दिखाया था, जो हिजोलिन के साथ और नंदवार्ती का मैंने दिखाया भी था AI के थ्रू। तो जैसा कि मैंने बताया कि 300 से ज्यादा जर्नल्स पब्लिशर्स की equivalent citations है, कई बार आपके पास है मनुपात्रा की citation होती है तो मनुपात्रा की citations, कई बार AI की होती है, DLJ की होती है किसी, तो इस तरह से लोकल कई सारे जर्नल्स है, तो हम लोगों ने मैक्सिमम equivalent citations कवर कर रखे हैं, तो आपको उसमें equivalent citation में जाकर करके आप सर्च कर सकते हैं, कई बार पार्टी नेम पता हो तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो citation wise search की काफी comprehensive databases हमने उसमें prepare कर रखी है, जो आपको कहीं और दूसरी जगह नहीं। So there's one more question. Can we use Manupatra in corporate law? Yes, corporate law के ऊपर में काफी exhaustive databases, जैसे मैंने अभी 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 example भी दिखाया था company laws के ऊपर में, और एक अभी हमने cut sort वो जो आपको table of content में जो बताया था, जैसे नोटिफिकेशन सर्कुलर है मिनिस्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स का आपको देखना है, IBBI के ऊपर में NCLT NCLAT की कोई भी ऑर्डर्स आपको देखनी है, या आप कॉर्पोरेट लॉ के ऊपर में कोई भी आप गाइडलाइंस या प्रोसीजर पार्ट देखना चाहते हो, तो ये सारी चीजें मनुपात्रा के ऊपर में हमने दे रखी है। मनुपात्रा में आपको कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड सारी जजमेंट मिलती है, एक्ट रूल नोटिफिकेशन सर्कुलर और कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड काफी सारी और मटेरियल हमने मनुपात्रा के ऊपर में, सारी आर्टिकल्स आपको मिल जाएगी इकट्ठा, तो वो सब सारी ट्रैवलर से लेकर एनसीएलटी एनसीएलटी पुराने सीएलबी की जो भी डिसीजंस है या कंपटीशन अपने ट्रैवलर का हो या कोई भी, तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आप इजली इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी जैसे कंपनीज एक्ट का मैंने कंपेयर प्रोविजन दिखाया था, इस तरह से वो सब सारा आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है। सर देयर इज वन क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, कैन वी नो इफ एनी जजमेंट हैज बीन ओवररूल्ड? यस, मैंने आपको दिखाया था अभी सर्च करके पहले पेज पर ही, जब मैंने जनरल जस्टिस सर्च किया तो एसवी गुप्ता के आगे में रेड कलर का फ्लैग लगा हुआ, तो जो भी जजमेंट के आगे रेड कलर का फ्लैग लगा होगा इट मींस कि वो जजमेंट ओवररूल्ड हुआ, तो वो सब सारी चीजें पार्शियली ओवररूल्ड का भी हमने एक प्रोविजन दे रखा, वो येलो कलर का फ्लैग आता कि वो जजमेंट पार्शियली ओवररूल्ड हो रखा, जजमेंट के अंदर भी लिखा होगा बट बाहर में ही आपको पता चल जाता कि ये जजमेंट फुल्ली ओवररूल्ड हो रखा है या पार्शियली ओवररूल्ड, और किससे ओवररूल्ड है आप उसको फ्लैग को क्लिक करेंगे तो ओवररूलिंग जजमेंट के बारे में आपको बताएं। सर हाउ टू लुक फॉर केस लॉज ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स? यस, किस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर में हमने एक तो क्या कर रखा है, काफी एग्जॉस्टिव हमारा सब्जेक्ट लिस्ट है, जैसे मैं सपोज दैट इंसॉल्वेंसी के ऊपर में जजमेंट फिल्टर करना चाहता हूं, तो लीगल सर्च में इंसॉल्वेंसी का सब्जेक्ट लूंगा, फिल्टर कर लूंगा, उसके अंदर भी सर्च कर सकता हूँ। दूसरा क्या है, किसी टॉपिक के ऊपर में जैसे मैंने अभी जनरल जस्टिस सर्च किया था, तो जनरल जस्टिस सर्च करने का रिजल्ट फिल्टर वाइज का एक ऑप्शन आता, उसमें कीवर्ड और सब्जेक्ट वाइज फिल्टर आता, तो कई बार होता है कि हम कोई वर्ड ऐसे हमारे दिमाग में चलते रहता है जिसको हम रिकॉल नहीं कर पाते, तो कीवर्ड में एक एग्जॉस्टिव लिस्ट मिल जाता है, तो आप कीवर्ड में लिस्ट पढ़ने के बाद आपको लगता है कि हाँ जनरल जस्टिस जो सर्च किया था इसके अंदर में इस टॉपिक के ऊपर में सर्च करना चाहिए, तो कीवर्ड में एक वो पूरा लिस्ट आ जाता है, या आपको चाहिए कि नहीं किसी सब्जेक्ट के ऊपर में सर्च करना तो सब्जेक्ट का भी एक लिस्ट दे रखा, तो आप उसमें से जैसे क्रिमिनल लॉ का ही क्रिमिनल के ऊपर में जनरल जस्टिस देखो, तो आप उस तरह से कॉम्बिनेशन वाइज वर्क कर सकते हैं, या तो लीगल सर्च से फिल्टर कर सकते हैं या मनु सर्च में, दोनों जगह आपको मिल जाता है ऑप्शन। So there is one more question, like people face issues
while searching about local laws. So are there any keywords for? हमने क्या कर रखा है, लोकल लॉज का पूरा लिस्ट दे रखा है स्टेट के अंदर, तो वहां पर आप कई बार क्या होता है, मैंने जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस है, तो उस एक्ट का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस है। अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज देख रहा हूँ तो मैं गलती से अगर डी को क्लिक कर दिया तो डी वाली लिस्ट में तो आएगा नहीं डोमेस्टिक, वो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, तो पी को क्लिक करूंगा तब आए। तो इन सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इंस्टीट्यूट ऑफ अल्फाबेटिकल एबीसीडी का तो ऑल का भी ऑप्शन दे रहे हैं, ऑल अप करके कंट्रोल एफ करके भी निकाल सकते हैं, या फिर लीगल सर्च में एक्ट सर्च का ऑप्शन है, वहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सारी तरह की फैसिलिटी हमने दे रखी है, तो आप उसको अगर ब्राउज करेंगे तो हमने काफी कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट एक्ट दे रखा है, रूल्स दे रखे हैं, अमेंडिंग एक्ट दे रखे हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी मिसिंग आपको बहुत ही रेयर होता है। So we'll take one more question. So what are the best practices for case law research? Like, are there any best practices? Best practices to use the Manupatra and the search, jo search capability hai, jaisa ki maine aapko bata tha, ki wo AI aur NLP inbuilt case search parameters hum provide karte hain. Aap right to privacy aap likhoge to aapko jo sabse relevant judgment hai pehle, to kehne ka matlab ye hai ki jo aap search karte hain तो आपको एक पहले रेलिवेंसी वाइज मिल जाता है, लेकिन आपकी चॉइस है कि मोस्ट साइटेड जजमेंट पढ़ना है या उसको कोट करना है या आप उसके अंदर कुछ फिल्टर करना चाहते हैं। सजेशन और फिल्टर काफी सारे हमने दे रखे हैं इधर कि किस टॉपिक पर आपको फिल्टर करना है, किस सब्जेक्ट से करना है, बेंच वाइज करना है, इंडस्ट्री वाइज करना है, तो सारी फिल्टर ऑप्शन आपको हेल्प करता है। सर्च विद इन सर्च का फीचर दे रखा है, आपने कुछ सर्च किया आपको लगा कि नहीं इसके अंदर कुछ और रिफाइन करना है, फिर आपने सर्च किया इसके अंदर कुछ और रिफाइन करना, रिफाइन के अंदर आप चाहते हो कि नहीं ये बीच वाला जो किया था उसको हटाना है, तो नीचे ऑप्शन ही आता है कि हाँ इसको क्रॉस कर दें तो दोनों का कॉम्बिनेशन बच जाएगा पहला और लास्ट वाले, तो वो एक कॉम्बिनेशन देता है। लीगल सर्च भी आपको हेल्प करता है, लीगल सर्च में कई बार होता है कि अपील अलाउड, हमको केवल वही सर्च करना है, तो डिस्पोजिशन का भी फीचर हमने बनाया हुआ, तो एडिटोरियल हमारी टीम काफी स्ट्रांग है जो इस सब सारी चीजों के ऊपर में काम करती है। ये केवल हमारा जो काफी सारे साइट है ना जो जजमेंट को क्रॉल करते हैं और वो एक बना करके दे देते हैं और एक ऑटोमेटिक वो लिंक करके देते हैं, वो हमारा एक वो उस तरह का हम लोग वो चीज नहीं है, हमारी एक काफी स्ट्रांग 160 लोगों की टीम है जिसकी जो इसके ऊपर में काम करती है। काफी सारे एडवोकेट हैं जो हमारे इसमें काम करते हैं, सॉफ्टवेयर टीम है, डेटा प्रेप टीम है, तो एक टीम है पूरी जो इसके ऊपर में काम करती है। ऑल इंडिया प्रेजेंस है हमारा, इंटरनेशनली भी हमारा ऑफिस ढाका में, तो ये डेटाबेस कलेक्शन का काम भी काफी एक कॉम्प्रिहेंसिव टास्क होता है, काफी मेहनत टास्क है, तो उन सारे चीजों का एक कॉम्बिनेशन आपको मिलता है और हम लोग उसको प्रॉपरली वो मॉनिटर करते हैं, प्रॉपरली उसको वो देखते हैं कि किस तरह से आपको एक मिले, सो दैट हमारी जो आज के डेट में वी आर द मार्केट लीडर है, हम लोग आज के डेट में लोग रिलाय करते हैं। रीजन यही है कि एक वैल्यू एड प्रोवाइड करने वाली टीम, एक सॉफ्टवेयर वाइज किस तरह से आपको इनहेंस टीम मिले, आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो एडवोकेट का है वो भी आपको इसमें मिलता है, उन लोगों की जो वैल्यू एड की हुई, तो एक कॉम्बिनेशन सॉर्ट ऑफ जो मिलता है ना, लॉ लीगल एंड टेक्नोलॉजी जो मैंने बताया था, दिस मनुपाता इज अ लीगल टेक कंपनी, तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, तो इसलिए हम आज के डेट में मनुपात्रा एक मार्केट लीडर है और ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, सारे वर्ल्ड में जहां भी आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे काफी सारे लॉ फर्म्स बाहर भी यूज करते हैं। सो वी कैन टेक वन मोर क्वेश्चन इफ एनी अटेंडी वांट्स टू आस्क समथिंग सो दे कैन अनम्यूट देमसेल्व्स। Otherwise, we'll close the session. Thank you so much for attending today's webinar. We have mentioned our contact details in the comment section. So if you have any questions, any queries, you can reach out to us at any point of time. We'll be happy to help you. So we can take one question if you have any query or question. Okay, I think we are good to go.
So thank you, Pankaj sir. It was a great and informative session. Thank you so much. Thank you for your time. Thanks to everyone who have attended this session. We appreciate that you took time to attend our demo in Hindi. So thank you all. And you can reach us out at any point of time. Thanks a lot to all of you. Thank you. Please contact if you have any on contact@manupatra.com. Contact@manupatra.com. Thank you.